जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होंगी। बिल्कुल इस कहावत पे हमारे लक्ष्य जो हैं वो बैठते हैं। मैं आज आपको लक्ष्य से मिलवाऊंगा, जो इम्पिटस गुरुकुल के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने 2019 में निमसेट का प्रिपरेशन किया था और ऑल इंडिया 36 रैंक लेके आए। लक्ष्य पानीपत से हैं, और जब आप लक्ष्य की स्टोरी सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि लक्ष्य ने किस किस मुश्किलों के साथ अपने सपनों को पूरा किया। लक्ष्य का अभी प्लेसमेंट हुआ है अमेजोन में, NIT त्रिची से टॉप प्लेसमेंट हुआ है। और एक और खास बात है कि लक्ष्य ने जिन कठिनाइयों का सामना किया, जब कोविड के समय लक्ष्य अपने घर पे था तो उसको उन चीजों का याद था, क्योंकि अपनी पढ़ाई के समय उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। तो उसने उन स्लम के बच्चों को, जो बच्चे मिसगाइड हैं, उनको गाइडेंस देना, स्लम के बच्चों को पढ़ाना, ये सब भी किया। तो आप इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए और देखिए, तो आप जानेंगे कि अगर आपका सपना बड़ा है तो तकलीफें जरूर आएंगी, पर अगर आपने उन तकलीफों को के साथ अपने संघर्ष को नहीं छोड़ा तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे, और फिर आपकी एक ऐसी स्टोरी बनेगी जिसे दुनिया जानेगी। चलिए तो हम सुनते हैं लक्ष्य को। चलिए, आज से मैं एक और नए सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं इम्पिटस गुरुकुल चैनल पे। इसमें मैं अब आपको उन बच्चों से मिलवाऊंगा सक्सेसफुल, जो MCA ज्वाइन तो करते हैं और जब NIT से MCA करते हैं और उनके प्लेसमेंट होते हैं अच्छी अच्छी कंपनी में, उसके बाद उनकी इंटायर लाइफ में क्या चेंज आता है, ड्यूरिंग MCA क्या चेंज आता है, तो उसी में आज सबसे पहले मैं लक्ष्य को मिलवाऊंगा आपसे, जिन्होंने 2019 में इम्पिटस गुरुकुल के सबसे पहले पेनड्राइव कोर्स को ज्वाइन किया था। लक्ष्य जो है वो पानीपत से हैं, और उसके बाद फिर आखिरी के 3 मंथ्स भोपाल में भी रहे और फाइनल ईयर के साथ इन्होंने रैंक अचीव की, फिर NIT त्रिची से MCA किया और अभी अमेजोन कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है। और अमेजोन का प्लेसमेंट मतलब आप सब जानते हो, हर एक के लिए ड्रीम होता है। तो लक्ष्य, सबसे पहले आपको अमेजोन के प्लेसमेंट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, ये बस आपका गाइडेंस ही रहा स्टार्टिंग से, तभी जाके इस कॉलेज में भी पहुंचे और ये सब चीजें भी हमने अचीव कर पाए हम सर। थैंक यू सो मच। तो लक्ष्य, ये जो मैं सेशन अब सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, इस सीरीज का एक पर्पज है कि हम हमेशा देखते हैं कि जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, रैंक आती है, वो जाते हैं, पर कई बच्चे जो कंप्रोमाइज कर लेते हैं लाइफ में, या उनको लगता है कि ठीक है हम यहाँ से कर लेते हैं, तो इन सेशन से उनको कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि जो आपकी लाइफ की सक्सेस जर्नी है, कि आपने जब निमसेट का सोचा था उसके पहले आपकी लाइफ को आप किस ढंग से सोचते थे, फिर आपने निमसेट की तैयारी की, फिर रैंक आई आपकी, फिर उस रैंक के बाद आपने NIT त्रिची से MCA किया, फिर ड्यूरिंग MCA इनफैक्ट आप 1 ईयर ही रह पाए, कोविड के वजह से 1-2 साल आपका कॉलेज घर से निकला। कई बच्चों के मन में ये भी क्वेश्चन था कि ये इतना जो कोविड के वजह से कॉलेज ही नहीं खुले तो प्लेसमेंट होगा कि नहीं, पर प्लेसमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बल्कि और अच्छे प्लेसमेंट हुए। और इस बीच में आपने घर पे रहते हुए क्या किया, तो मैं चाहूंगा आप अपनी सक्सेस जर्नी बहुत अच्छे से बताएं कि कोई बच्चा अगर इसको सुने तो वो कनेक्ट हो चुका है। इनफैक्ट आप पानीपत से हो, आपके इस सक्सेस के बाद बहुत सारे बच्चे जो आपसे गाइड लेके इम्पिटस से जुड़ते हैं, तो जब भी वो आपका नाम लेते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। बस सर, मतलब जब भी कोई ऐसा होता है तो मतलब मैं उन्हें कह देता हूँ कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, अगर वो चाहते हैं कि करना तो मैं वही कहता हूँ कि आज से ही स्टार्ट करो, जैसे आप बताते थे। तो बस यही होता है, इसी वजह से सभी जुड़ते जा रहे हैं सर। मे बी 15-20 स्टूडेंट्स, मे बी ज्यादा ही शायद। बिल्कुल ज्यादा, वो एक चेन है, इम्पिटस गुरुकुल परिवार है, वो बढ़ता ही चला जाता है। एक बच्चा 4 को, 4 बच्चे 16 को, ऐसा है, वो ज्योमेट्रिकली बढ़ते हैं बच्चे, तो बहुत खुशी की बात है। तो आप अपनी सक्सेस जर्नी को बहुत अच्छे से बताएं, क्योंकि बच्चे जब ये सुनेंगे तो बहुत सारे डिसीजन लेने में क्लियरिटी आएगी। तो सर, फर्स्ट हुआ ये था कि मतलब मुझे भी करनी बीटेक ही थी, कंप्यूटर साइंस से, IIT फील्ड से, लेकिन क्या था कि उस टाइम पे यही कोचिंग का डिफरेंस था जिसकी वजह से जेई मेंस में रैंक नहीं आ पाया था। तो उसके बाद फिर BCA+ MCA चूज किया था, लेकिन सर ये था कि उस टाइम पे भी ये मन में डाउट होता था, क्योंकि बीटेक में एक 4 ईयर कोर्स होगा तो ठीक है, लेकिन MCA के बाद ये लगता था कि BCA+ MCA में भी 5 ईयर का एक इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगा, या फिर अलग अलग सेपरेट भी, तो उसमें लगता था कि ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद में जब BCA में आए, उसके बाद पता चला कि MCA भी 3 साल की होती है, तो एक प्लस टू के बाद 6 ईयर्स का टाइम लग जाएगा वही सेम पोजिशन पे पहुंचने पे, जब जहाँ हम बीटेक से पहुंच सकते थे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने की पोस्ट पे। तो ये सब चीजें थी, इस वजह से डाउट आता था कि नहीं, BCA करके ही हम जॉब ले लेंगे, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस से में भी पैकेज इंक्रीमेंट हो सकता है या फिर अच्छी पोस्ट मिल सकती है। तो लेकिन सर उस टाइम पे ये था कि मतलब सर माइंड में थी, इनका कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं था, कुछ ना ही कोई आसपास था जिसको ये सब चीजें पता हो।
तो सर जैसे बीसीए में फर्स्ट सेम में ही या फर्स्ट सेम में ही जब सी लैंग्वेज की वीडियोस देखते थे तो सौरभ सर की वीडियोस से हम पढ़ते थे, तो उनकी नॉलेज देख के ऐसा लगता था कि मतलब जहां से इन्होंने पढ़ाई की हो, मे बी अगर हम भी वहां से पढ़ेंगे तो एक अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो पढ़ाते तो उनका लेवल ये तो था कि उनके हर एक कंसेप्ट क्लियर होते थे। तो उन्होंने इसी तरह से आपसे आपके साथ एक सेशन अटेंड किया था और बताया था कि इस तरह से हमने निमसेट करके और एमसी चूज किया था। तो उसके उस टाइम पे मुझे लगा था कि हाँ अगर मैं जिस लाइन में हूँ उसके आगे ये चीज पॉसिबल हो सकती है। तो उसके बाद सर आपने जैसे बताया कि मैंने पेन ड्राइव कोर्स लिया फाइनल ईयर में और 3 महीने के लिए वहां पे भोपाल में आया, तो सर वही है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उस टाइम पे पॉसिबल हो पाया कि मैं थोड़े कम टाइम में रैंक अचीव हुआ, अच्छा हुआ और टफ पेपर था। अब सर जो मेन डिफरेंस था कि कॉलेज आने के बाद एक ना सर माइंड में ये बात अभी भी सबके पास होती है कि ना अगर हमें कॉलेज मिल गया त्रिची या फिर सूरतकल मिल गया तो इसका मतलब आगे मतलब सब चीजें हो गई हैं, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर ऐसा वहां पे जाके ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब अगर मान लो आप आए हो तो अब कंपनीज में जो मेन मेन ड्रीम है कि हाँ एक प्लेसमेंट अच्छी लेनी है, एक सैलरी अच्छी होनी चाहिए और एक लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए वहां पे क्या सर वहां पे जो रेस होगी वो फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट होती है। जो क्लास में अगर मान लो 110 स्टूडेंट्स का अगर एडमिशन हो गया तो वो फिर सभी के सभी जीरो पे हैं। अब उनके लिए फिर दोबारा से वही सब चीज स्टार्ट होंगी कि जैसे नीमसेट तो हो गया, अब सभी अपने अपने कॉलेजेस में इलाहाबाद में या रायपुर में हर एक जगह पे सर अपॉर्चुनिटीज हैं, हर एक कंपनीज वहां पे जाती है। बस डिफरेंस ये होता है कि बीटेक के लिए मेनली वो कंपनीज होती हैं और एमसीए के लिए कुछ कंपनीज ओपन नहीं भी होती। और डिफरेंस ये है कि जो त्रिची को सारे इसीलिए चूज करते हैं, त्रिची या सूरतकल और ऊपर के जो बाकी कॉलेज है, क्योंकि वहां पे एमसीए को भी थोड़ा ज्यादा चांस मिलता है, उनके लिए भी ज्यादा कंपनीज ओपन होती हैं। अब वहां पे जाके क्या होता है सर एक MC3 कोर्स में है कि फर्स्ट ईयर के बाद हमें एक समर इंटर्नशिप का ऑफर मिल सकता है। मतलब कुछ कंपनीज विजिट करती हैं जो समर इंटर्नशिप का एक तरह से समर इंटर्नशिप ऑफर करेंगी, और सेकंड ईयर के बाद ये होता है कि हम फुल टाइम प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जैसे ये था कि फर्स्ट ईयर के बाद अमेजोन और मतलब बहुत सारी कंपनीज जैसे आई थी विजिट किया था, तो उस टाइम पे हमें समर इंटर्नशिप ऑफर होती है 2 मंथ्स की। उस टाइम पे ये हुआ था कि सर लॉकडाउन था और ये सब चीजें कोविड था और सब हम घर आ चुके थे, 4-5 मंथ हो गए थे घर आए। तो उस टाइम पे भी सर ये हुआ था कि मेरे साथ मैंने 2-3 महीने पढ़ाई नहीं की थी क्योंकि ना लाइक माई फादर पास्ड अवे एंड आई वॉज जस्ट अबाउट टू ड्रॉप आउट फ्रॉम द कॉलेज। मे बी मतलब सर मुझे ये था कि मे बी अब शायद जॉब कर लूँ या नहीं, मन मन नहीं था ज्यादा पढ़ने का भी। तो उस टाइम पे 2-3 महीने मैंने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन फिर जब ये था कि सेकंड सेम के जो हमारे एग्जाम थे फिर ये पॉसिबल हुआ कि कॉलेज तो जा नहीं रहे, तो इसलिए ऑनलाइन सब कुछ शेड्यूल हो गया था हर एक कॉलेज में, तो हमें ऑनलाइन एग्जाम देने थे और इस तरह से कंपनीज भी आने वाली थी। तो उस टाइम पे फिर थोड़ा 15-20 दिन पढ़ाई की और वहां पे भी ऐसे हुआ कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि वहां पे एक कंपनी में क्लियर हो पाया मेरा OT और इंटरव्यू भी क्लियर हो पाया, तो मुझे समर इंटर्नशिप का ऑफर मिला जो नेक्स्ट ईयर में स्टार्ट होती है। अब समर इंटर्नशिप में होता है कि ये नहीं होता कि हाँ हम सभी स्टूडेंट्स को मिल सकती है, अगर नहीं भी मिलती तो इट्स ओके, लाइक इतनी कोई बड़ी बात नहीं है अगर समर इंटर्नशिप मिली है नहीं मिली। मेन चीज क्या है कि हमें प्लेसमेंट, फाइनल प्लेसमेंट लेनी चाहिए, फाइनल प्लेसमेंट ही मेन होती है। तो अब समर इंटर्नशिप से होता है एक फायदा कि हमें 8 वीक्स के लिए या 6 वीक्स के लिए किसी भी कंपनी में वो एक रियल प्रोजेक्ट पे, रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करवाएंगे। अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये लाइक ही इज वर्थ इट, सो दे विल गिव द पीपी ऑफर, द प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो इस तरह से वहां पे भी हुआ था कि 2 महीने मैंने थोड़ा अच्छे से परफॉर्म किया जितना भी हो सकता था, उस तरह से परफॉर्म किया जितना एफर्ट कर सकता था, तो वहां पे प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला, अब मुझे है कि कंपनी अपने एक फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह ऑफर कर दिया मुझे। इसी तरह से अब जिनको समर इंटर्नशिप नहीं मिली उनके पास भी एक मौका रहता है कि जब दोबारा वो कंपनी दोबारा आएंगी तो थोड़ा सा जो लेवल होता है वो इंटरव्यूज का या फिर क्वेश्चंस का वो थोड़ा सा ऊपर होता है और लेवल के जो राउंड्स होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं। तो फाइनल ईयर में भी जाके ये सब चीजें प्लेसमेंट पॉसिबल हो सकती हैं बिना समर इंटर्नशिप के भी। जो फाइनल ईयर है उसमें आपको यही कंपनीज आएंगी, 3 से 4 राउंड होंगे और ये सब
फुल टाइम प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है। तो ये सब चीजें थी सर जो एक कॉलेज में जाके पता चलता है। और यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि जिसने निमसेट में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है तो डेफिनेटली ये ऑब्वियसली होगा ही होगा कि तुम्हें कंपनी निमसेट के रैंक के बेसिस पे तुमको ले जाएंगी। कि वहां पे सर कभी भी किसी भी इंटरव्यू में निमसेट या किसी चीज के रैंक के ऊपर, इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है वो बात करे ना करे। अगर कर देगा भी तो 1 या 2 मिनट से ज्यादा नहीं बात करता। उन्हें जो आगे की स्किल्स होती है वो डीएसए होता है और कोर कंप्यूटर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्किल्स के ऊपर मैटर करते हैं वो सब चीजें। तो ये सब चीजें थी जो मीन्स में भी कईयों के माइंड में कुछ थोड़ा सा डाउट होता है कि हाँ निम सेट कर लिया तो उसके बाद जाके त्रिची जाके भी सब चीजें सॉर्ट आउट है, अब यहाँ पे जाके तो जॉब मिलनी मिले। लेकिन ऐसा भी होता है कि त्रिची से भी कुछ लास्ट में स्टूडेंट्स होंगे जो मे बी प्लेस ना हो सके या मे बी सूरतकल से भी होते हैं। तो ये सब चीजें जो होती हैं हार्श रियलिटी है और ये मतलब माइंड में रखनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा वही सोचते हैं कि अगर पैकेजेस देखे होते हैं कि 40 लाख प्लस का है, 30 लाख प्लस का है, उसके बेसिस पे जा रहे होते हैं। लेकिन वहां पे जाके भी वही बात है कि अगर एफर्ट उतना नहीं किया तो मे बी 6 से 7 लाख वाला भी मिल सकता है। तो वो मतलब वो इतना कुछ मैटर नहीं करता कि कितने वाला मिल रहा है, लेकिन मेन बात है कि हमने मेहनत जितनी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो लक्ष्य बिल्कुल सही बात बोली आपने। जैसे मैं भी ये बात मानता हूँ कि सपोज कोई बच्चा NIT त्रिची गया, इलाहाबाद गया, सूरत गया, कैलीकट गया, हर एक के मन में ये होता है कि हम अगर त्रिची गए तो हमारे को 30 लाख का जॉब मिलेगा, 40 लाख का ही मिलेगा, ये एक कॉमन है। अब जैसे अमेजोन है तो वो 40+ लाख का ऑफर करती है, कुछ कंपनी जो 30+ का ऑफर करती है, कुछ है 20+ का करती है, ऑन एवरेज देखे तो 15 से 20 लाख के आसपास सभी को पैकेजेस हम मान सकते हैं। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपने बोली, ये सेशन का पर्पज भी है कि क्योंकि आज इम्पिटस के बच्चे हर कॉलेज में, कि त्रिची जाना या सूरतकल जाना या कैलिकट जाना है डजंट मीन कि आप टॉप प्लेसमेंट लोगे या क्या। वहां जाके आपको परफॉर्मेंस देनी है, एक चीज। दूसरा, फर्स्ट रैंक वाले हो या 50 रैंक वाले हो, 100 रैंक, एक कॉलेज में ये चीज मैटर नहीं करती। एक बस इंटर होने तक की मैटर करती है, फिर सब कुछ मैटर इस बात पे करता है कि वहां आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपको सब्जेक्ट में कितनी नॉलेज है। और क्योंकि हर कंपनी में चार चार पांच पांच छह छह बच्चे प्लेस होते हैं, जैसे आप भी प्लेस हुए, तो ये बिल्कुल। और हो सकता है कि त्रिची वाले बच्चे को भी जॉब अच्छी ना मिल पाए, और हो सकता है रायपुर वाले को भी टॉप जॉब मिल जाए। होता भी हर यस कॉलेज में हम देखें ऑन एन एवरेज तो लगभग बराबर लेवल पे। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। और जो बच्चे सुन रहे हैं कि आप ये मत सोचिए कि MCA के कॉलेज में इंटर होगा इस मीन्स कि अब सब, अब बस हो गया सब। वहां जाके फिर से नहीं लड़ाई, फिर से वही जीरो से लेके और फिर टॉप लेवल तक करना होता है। पर ये अच्छी बात होती है कि जब हम अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा क्राउड, जैसे आपको एक अच्छे बच्चों का क्राउड मिला होगा, जिससे सर, जो डेवलप जो प्राइवेट कॉलेज में नॉर्मली हम मिस कर जाते हैं, तो वो यस सर, चीज। हाँ, तो लक्ष्य ये बताओ कि जब आप घर आ गए तो आपके पास, क्योंकि कॉलेज तो जाना हुआ ही नहीं 1-1.5 साल, यस सर, तो इस दौरान आपने अपनी पढ़ाई सारी ऑनलाइन की, पर उसके साथ भी कुछ ऐसा था क्योंकि काफी टाइम होता था आपके पास, तो कुछ और भी ऐसा वक्त था जो आपने किया? सर फ्रेंकली सेइंग तो ये था कि हम जो कॉलेज के सेमेस्टर वाले एग्जाम्स होते थे उन पे इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाते थे। जब कॉलेज में होते थे तो ये होता कि रेगुलर क्लासेस अटेंड करने के बाद हमें ऑफलाइन एग्जाम देने होते थे, तो उसमें ज्यादा पढ़ के हम एग्जाम देते थे। और यहाँ से क्या होता था कि हमारे कॉलेज की पॉलिसी ये थी कि ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाते थे हमारे में। तो इसके अलावा क्या होता है कि जो सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं काम आते हैं प्लेसमेंट्स में भी, लेकिन त्रिची में या फिर सूरतकल में कोई भी जो टॉप कॉलेज है उसमें डिफरेंस क्या है कि लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ पे ज्यादा प्लेसमेंट हो रही है? क्यों, वहां पे डिफरेंस है कि वो फर्स्ट डे से ही प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं, ना कि सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। वो सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए वो ये देखते हैं कि मतलब जो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है, पॉइंटर्स जो होते हैं, ग्रेड्स में भी 8, 8.5, उससे डिसेंट ग्रेड एक बने रहे। ज्यादा आते हैं तो भी अच्छी बात है, अगर किसी को ज्यादा कहीं वो लगता है कि हाँ 9.5 इतने CGPA रहनी चाहिए। लेकिन मेन बात क्या होती है कि फर्स्ट डे से ही प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं। उसके लिए जो क्या होती है कि डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स की कोडिंग और कुछ लैंग्वेजेस पे स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए, मे बी C, C++ पे या फिर जावा पे, तो कोई भी एक दो पे स्ट्रॉन्ग कमांड। उसके अलावा जो होता है डेवलपमेंट पार्ट, कोई भी 2 या 3 अच्छे प्रोजेक्ट्स मे बी ऑन द वेबसाइट और वेबसाइट डेवलपमेंट और एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट। और उसके अलावा क्या होता है कि कोर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेमेस्टर में हमें कवर हो ही जाते हैं, लेकिन
फिर भी उसके पैरेलली भी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसे प्रिपेयर करना पड़ता है, हर एक जो भी कोर सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि सर किसी जैसे आप इस बार के भी जो कुछ सिलेक्ट हुए हैं बच्चे, उसमें क्या होता है सर जो त्रिची में गए हैं तो उनमें क्या हुआ कि जाते ही पहले दिन से रहता है उनका, और वो दिन से ही उन्हें गाइड करेंगे कि तुम्हें क्या चीज करनी है और किस पेस पे करनी है और रिसोर्सेज क्या है, ये सब चीजें। और मेन बात क्या है सर, जो कुछ और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं मुझे कि सर बहुत बारी बात होती है कि हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, मे बी कोई प्राइवेट में कर रहे हैं मे बी, या फिर कोई सर नीचे जो कॉलेजेस हैं जैसे रायपुर वगैरह में भी हैं। लेकिन सर अगर मैं उन हम कोई भी सर मैं भी क्या कोई और भी अगर उन्हें बताता है ना कि हाँ अगर तुम मे बी तुम्हें कॉलेज जो भी मिला है अगर तुम प्रिपेयर इनके जैसे करोगे ना जैसे बाकी स्टूडेंट्स कर रहे हैं बाकी अच्छे कॉलेजेस में कर रहे हैं तो भी तुम्हें फायदा मिलेगा। लेकिन सर क्या होता है कि उनके जो आसपास का एनवायरमेंट होता है वो भी क्या होते हैं कि वो सोचते हैं नहीं यार कॉलेज मिल गया अभी थोड़ा लीनियंट रहते हैं, बहुत मेहनत कर ली हम सेट में। तो ये सब चीजें जो होती है ना सर यही डिफरेंस आ जाता है कि वो 1 साल का जो डिफरेंस होता है ना जो बाकी कॉलेज के बच्चे हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं और जो नहीं करते वो तो फिर सर बिल्कुल जहां थे बिल्कुल हम सही वहीं के बात वहीं। है, बिल्कुल सही बात है कि कई बार क्या होता है, जैसे आप सपोज एनआईटी त्रिची में, सूरतकल में, इलाहाबाद में है, कैलीकट में, वहां हर बच्चा इस बात को माइंडसेट करके चलता है डे वन से कि मुझे अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट लेना है। और जी सबको सर पता होता है कि ड्रीम सुपर ड्रीम कंपनी है, हम हाईएस्ट प्लेसमेंट में पहुंचे, अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, कंपनी ज्यादा होती है। तो हर एक बच्चा जो आपने बोला ना, पहले दिन से सेमिस्टर में पॉइंटर मेंटेन रखना है, 8 से कम नहीं होने देना है, 9 तक, 8 से 9 के बीच में रहें, और उसके साथ साथ वो अपने प्लेसमेंट की तैयारी फर्स्ट डे से कहीं ना कहीं मेंटली साइकोलॉजिकली कर लेते हैं। और यही रीजन होता है कि अच्छे कॉलेज के प्लेसमेंट हाई होते हैं। वही हम जब देखते हैं प्राइवेट में, प्राइवेट में भी प्लेसमेंट होते हैं, पर दो तीन चीजें, एक तो कंपनियां कम आती हैं, सैलरी पैकेज उतने हाई नहीं होते, और परसेंटेज कम होता है बच्चों का। कि जैसे मान लीजिए कि एक प्राइवेट कॉलेज में नंबर ऑफ सीट भी बहुत होती है, तो हो सकता है 20-25% ही प्लेसमेंट हो। तो उस समय क्या हो जाता है, वहां पे बच्चे का माइंड वो वैसा सेट ही नहीं होता, उसको हर जगह फाइट करनी पड़ती है, ये एक डिफरेंस आता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जीवन में कोई कंप्रोमाइज मत करो, समझौता मत करो। आपकी लाइफ का ये फाइनल डिसीजन, मतलब लास्ट डिग्री जो होती है, वो जितनी अच्छी जगह से हो उतना अच्छा हो। तो वो तो आपने करा ही है। अच्छा, अब आपकी लाइफ में आपको कैसा चेंज आप फील करते हो वो मैं चाहूंगा। और ऐसा कोई वक्त, क्योंकि मैं चाहता हूँ इम्पीटस गुरुकुल के बच्चे हो, तो कोई ना कोई सोशल एक्टिविटी भी करना है, लोगों को आगे, खुद तो आगे बढ़ना ही है, पर अपने को और भी लोगों को आगे बढ़ाना है। सर लाइफ में चेंज तो बहुत ज्यादा है, मींस 2019-18 के बाद जो चीजें थी जिस तरह से पर्सपेक्टिव था, और फाइनेंशियली तो मे बी मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना ज्यादा कुछ अच्छा मे बी प्लेसमेंट ले पाऊंगा या कुछ था, मुझे बस ये था कि हाँ मेहनत करेंगे जितना मिलेगा तो अच्छा है, कम भी मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। तो सर उसके अलावा क्या था कि हेल्प करना, वो जैसे वहां पे था इम्पिटस में जब मैं गया था तो मेरी बहुत सारे लोगों ने हेल्प की थी, आपने हेल्प की थी, और जो आसपास के स्टूडेंट्स थे उन्होंने बिना कुछ ये सोचे कि हाँ ये मे भी हमारा कंपिटिटर है फिर भी उन्होंने हेल्प की। मैं लेट आया 3 मंथ्स के लिए आया सिर्फ। तो इसी तरह सर अब ये था कि उसके मेरे सिलेक्ट होने के बाद मेरे पास जो भी आता था मैं उसकी पूरी हेल्प करता था, एक तो कि मे बी अगर उसके पास कोई भी रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो तो मैं जो प्रोवाइड कर सकता हूँ वो मैं प्रोवाइड करूँ मे बी थ्रू द बुक्स और मे बी द गाइडेंस। और उसके अलावा सर मे बी सर पिछले 10 मंथ्स से हम ये है कि जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं मेरे होम टाउन में पानीपत में हम उन्हें भी पढ़ाने जाते हैं सर, जो जो जैसे सर झोपड़ियों में या ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे सर वो स्कूल ही नहीं जा पाते कभी, या कुछ ऐसे हैं जो स्कूल गए थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से कभी 2 साल से गए ही नहीं, उनकी ऑनलाइन कभी क्लास ही नहीं लगी, या फिर कुछ ऐसे भी हैं सर जिन्होंने तो कभी स्कूल में एडमिशन लिया ही नहीं, तो सर ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ाते हैं हम। तो ये सब चीजें वो ये थे कि अगर हमें एक एजुकेशन एक ऐसा टूल मिला है तो मे बी उसको अगर ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। लक्ष्य तो बहुत ही अच्छी बात बोली आपने कि आप ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सच बात है कि कोविड के बाद क्या हुआ है कि बड़े और अच्छे स्कूल जो, उन्होंने तो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की, यस और जो घर पे थे वो भी पढ़ पाए। पर कई बच्चे ऐसे थे जो गवर्नमेंट स्कूल में या ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहां पर कम फी है, उन बच्चों के पास फोन ही नहीं थे। मतलब ऑनलाइन पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास लैपटॉप या एंड्रॉयड फोन हो। ऐसे बच्चे बिल्कुल, इस बार मैं भी ये फील करता हूँ कि वो एजुकेशन से छूटे, और मुझे सुन के बहुत खुशी हुई कि आपने उनको सपोर्ट किया, क्योंकि एक एजुकेशन ही है
जो पूरी इंटायर कंट्री को डेवलप करता है। मतलब आज आज आप आगे निकले हो, आज के बाद आपके साथ 10 लोग और निकलेंगे, 10 लोग निकलेंगे, हम कोई भी डेवलप कंट्री देखें तो सबसे बड़ा रीजन है एजुकेशन। तो वो yes, अगर एजुकेशन हमने दी तो बहुत अच्छा किया। तो आप इतना नेक काज कर रहे हो कि मैं बोलूंगा ये हो सके तो बाद में भी जब कंपनी ज्वाइन कर लो तो भी वीकेंड पे या संडे पे ये काम कभी मत छोड़ना, क्योंकि इससे जो आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो बहुत अलग होगा। देखो जॉब बहुत अच्छी कंपनी में, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा, सब कुछ है, पर ये एक सेटिस्फेक्शन बहुत अलग होगा। और अच्छी बात है कि आप इम्पीटस गुरुकुल के स्टूडेंट और ये कर रहे हो तो मुझे बहुत खुशी है। और इसमें जो सपोर्ट इम्पीटस का भी लगे वो भी लेना, और उन बच्चों को सबसे अच्छी चीज होती है, सबसे अच्छा आप किसी की मदद रुपए से कर दो कोई काम की नहीं है, एक बार रुपए दे दिए हो सकता है वो रुपए को 10 दिन में खत्म कर दे महीने भर में, पर एजुकेशन दे दी तो वो उसकी इंटायर लाइफ काम आती है। और ये yes, काम आप जो कर रहे हो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपको कभी नहीं भूल पाएगा अगर आपकी इस गाइडेंस। एक्चुअल में एक और बात बोली जो आपने ना, कई बार गाइडेंस ही नहीं देता कोई ज्यादा। जैसे मैं देखता हूँ yes, कई बच्चे जब मेरे पास आते हैं तो बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर दोस्तों ने बोला यहाँ ले लो वहां ले लो क्या करना चाहिए, बहुत कंफ्यूज थे आपसे बात करें। तो गाइडेंस भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सही समय पर सही गाइडेंस मिल जाए। तो ये जो आपने श्रृंखला स्टार्ट की है मैं कहूंगा आपका, बल्कि आगे जाके आप इतनी बड़ी कंपनी में जाओगे और 10 लोग को जोड़ना और इस चेन को बढ़ाए रखना, इसको कम मत बंद मत होने देना। सर बस ये मतलब मेरे होम टाउन में कुछ एक फ्रेंड थे, उसके कजन ने ये स्टार्ट किया, इनिशिएटिव लिया, तो साथ में हम गए। उस फाउंडेशन का नाम है खुशियों की उमंग। तो सर मेन उसका ये भी है कि आपकी आइडियोलॉजी है ना जेक, कि अगर एक परिवार में कोई एक भी इंसान पढ़ लेगा तो उसके आने वाली कुछ जनरेशन भी सुधर जाती है, मतलब उनका तो बहुत ही ज्यादा। तो सर वो सब चीजें हमें लगती है कि वहां पे अगर उन बच्चों में से कुछ कुछ स्टूडेंट्स भी 10% भी ऐसे हो जो मे बी हायर एजुकेशन या कॉलेज तक भी जा पाए तो मे बी सर वो कहाँ से कहाँ ही पहुंच जाएंगे, ये सब चीजें याद आती है सर। बिल्कुल सही बात है। और कभी भी किसी की हेल्प करने जाओ आप, मत सोचो क्या होगा, आप 100 बच्चों की मदद कर रहे हैं, 100 को गाइड कर रहे हैं, 100 पे असर पड़े ना, एक पे भी पड़ गया ना तो आपकी लाइफ का अब वो एक पता नहीं कितनों को चेंज कर देगा। तो ये काम करते रहना, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू लेके बात करके। अब ऐसे सेशंस हम लेते रहेंगे, बीच बीच में कभी जरूरत लगेगी तो मैं फिर से तुम्हारा सेशन लूंगा। और आप सब बच्चे भी जो सुन रहे हैं जरूर कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा लक्ष्य से, कमेंट में आप मैसेज करोगे तो लक्ष्य भैया आपको जरूर रिप्लाई भी देंगे, गाइड भी करेंगे। और लक्ष्य आप ऐसे ही आगे बढ़ो, खूब खुश रहो। बीच में आपके साथ जो पापा का हुआ वो मुझे सुना था जब अपनी बात भी हुई थी, वो भी काफी झटके वाली बात थी, पर आप उससे उभर गए, ये भी अच्छी बात है। क्योंकि लाइफ में यही चीज है कि हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, बिना एक्सेप्ट करे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपने उसको भी फेस किया, देन वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट, और ये सब करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच सर। और एक बात जो सर कुछ उन स्टूडेंट्स के लिए जैसे सर रायपुर या अगरतला इन सब कॉलेजेस में भी जाते हैं सर, एक ये भी होता है बात सर कि जितना मैथ्स हमने पहले प्रिपेयर किया होता है निम्सेट के टाइम पे वो उतना ज्यादा हेल्प करता है सर कोडिंग में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या होता है कि ऑल आफ्टर ऑल डिपेंड करते हैं मैथ्स के ऊपर ही, आपका मैथ्स किस तरह का है। तो मे बी यही एक रीजन है कि निम्सेट में मैथ्स इतना ज्यादा पूछा जाता है। तो सर रायपुर या अगरतला मतलब कुछ ऐसे कॉलेज है जहाँ पे मे बी किसी ने कम प्रिपेयर किया हो, मे बी उसका लॉजिकल माइंड फिर भी अच्छा है, मे बी उसके अभी कुछ चैप्टर्स है प्रोबेबिलिटी परमिटेशन कॉम्बिनेशंस और एलजेब्रा जितना भी होता है वो सब चीजें बहुत ज्यादा काम आती हैं कोडिंग में, डेटा सक्सेस में भी, एल्गोरिथम्स में भी। तो वो सब चीजें सर जो कोई भी निम्सेट पे के टाइम पे कर रहा है तो वो सिर्फ रटने के हिसाब से ना करे कि बस क्वेश्चन याद कर लिया तो मे बी काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आने के बाद सफर करेंगे वो लोग, उनको सफर करना पड़ता है क्योंकि जो टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे वो बाद में काम आना है, नहीं तो बाद में उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और कभी कुछ लोग सर क्या करते हैं कि कंप्यूटर वाला पार्ट करते नहीं है निम्सेट के टाइम पे भी, लेकिन वो पार्ट सर हर एक कॉलेज के में भी फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में एक या दो सब्जेक्ट में उनको काम आएगा ही आएगा, और मे बी सर प्लेसमेंट्स के टाइम पे भी वो सब चीजें बेस बन के काम आती हैं सर इनडायरेक्टली, मे बी डायरेक्टली ना आए लेकिन वो सब चीजें बहुत ज्यादा काम आती है जो निम्सेट में लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट है, वो उसके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं केएमएफ ये सब चीजें। तो ये सब चीजें सर बहुत ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन सब कुछ लोग क्या करते हैं कि मैथ्स पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं और सोचते हैं कि रीजनिंग भी कर लेंगे, लेकिन कंप्यूटर बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है सर आने वाले आगे भी।
बिल्कुल सही बात बोली लक्ष्य। और कोई भी एनआईटी हो, कोई भी अच्छा कॉलेज हो, अगर आपका कोडिंग पे, लैंग्वेज पे, मैथ्स पे अच्छा कमांड है तो कहीं ना कहीं फायदा होता है। इसीलिए एमसी एंट्रेंस में मैथ्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कई लोग सोचते हैं क्यों रखा है, पर वो लॉजिक डेवलप करने के लिए रखा होता है। तो काफी अच्छा सेशन रहा आपके साथ, बहुत मजा आया बात करके। अब ऐसे ही अपने लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए उन सभी बच्चों को जो मिसगाइडेड है। ऑल द बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू यू एज वेल सर फॉर द अपकमिंग बैच।